श्री राम चौक खुर्सीपार में आगामी 14 दिसंबर से श्री राम कथा एवं लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को कथा स्थल पर विधिवत आचार्यों की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे, आयोजक पार्षद विनोद सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीते 2019 में श्री राम चौक खुर्सीपार में श्री राम कथा एवं श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया था। तत्पश्चात कोरोना के दौरान श्री राम कथा का आयोजन संपन्न नहीं किया जा सका। वर्ष 2022 में फिर से एक बार 14 दिसंबर से श्री राम चौक में श्री राम कथा एवं लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कथा एवं यज्ञ स्थल पर आचार्यों की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे मुख्य रूप से उपस्थित हुए। भूमि पूजन के पश्चात विभिन्न धार्मिक रस्में पूरी की गईं। श्री राम कथा और लक्ष्मी नारायण यज्ञ को लेकर श्री राम जन्मोत्सव युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे, पार्षद एवं आयोजक विनोद सिंह ने जानकारी दी। देखिए, पिछले वर्ष भी श्री राम चौक में श्री राम कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे परम पूज्य संत चिन्मयानंद बापू जी का आगमन हुआ था और उसी प्रकार जीवन आनंद फाउंडेशन एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष भी श्री राम चौक पर आने वाली 13 दिसंबर से ये कथा का शुरुआत होने वाला है, राम कथा। और उसमें मुख्य रूप से विनोद सिंह जी का बड़ा योगदान है आयोजनकर्ता के रूप में, और सभी पूरे श्री राम जन्मोत्सव समिति के समस्त कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम करेंगे। मैं भिलाई एवं समस्त दुर्ग जिले के लोगों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि आने वाली 13 दिसंबर से आप सब इस श्री राम चौक में आएं और इस श्री राम कथा का रसपान करें। तैयारी 2019 में भी यहां श्री राम चौक में दशहरा मैदान में यह आयोजन हुआ था राम कथा का, और इस वर्ष भी दिसंबर 14 तारीख से यह कथा का आयोजन है। 13 तारीख को भव्य कलश यात्रा है दोपहर 2 बजे से, और साथ में 9 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। यज्ञशाला का निर्माण होगा और बाहर से सब ब्राह्मण आ रहे हैं चित्रकूट से, और आचार्य रामभद्र सेवा मंडल के आचार्य श्री संदीप तिवारी जी के मार्गदर्शन में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और साथ में राम कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के द्वारा। आचार्य ने श्री राम कथा और यज्ञ को लेकर प्रतिक्रिया दी। 2019 में यज्ञ हुआ था लक्ष्मी नारायण यज्ञ और राम कथा, तो पहले से चौक को अंडा चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस यज्ञ के बाद से और राम कथा के बाद से इस चौक का नाम श्री राम चौक बन पड़ गया है। तो जहाँ राम है वही हम है। राम राम अर्थात संस्कार, संस्कार हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले संस्कारवान रहें, और संस्कारवान रहना है तो राम को जीवन में उतारना पड़ेगा और राम को अपनाना पड़ेगा। तो राम को जानने के लिए सबसे बड़ा सुलभ राम कथा और लक्ष्मी नारायण कथा, इसलिए आप लोग 14 दिसंबर से ज़्यादा लोग इस कथा में और इस यज्ञ में सम्मिलित होवें और यज्ञ को सफल बने और अपना जीवन कृतार्थ करें। जय सियाराम। गौरतलब है कि कथा का श्रवण करने लोगों के लिए सभी सुविधाएं आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। कथावाचक राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज के साथ आए लोगों के ठहरने खाने की भी उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। 14 दिसंबर को कथा शुरू होने के पूर्व 13 सितंबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।